नमस्कार, जीवी न्यूज की खास खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व रामपुर हाथी कैंप से चार हाथियों को लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम मंगलवार को मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। चार दिन में करीब 1600 किलोमीटर का रास्ता तय कर हाथी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अंजना झाना कैंप पहुंचेंगे। वहीं मैसूर, बेंगलोर, नागपुर के रास्ते हाथी ट्रक से 2 या 3 दिसंबर तक एसटीआर में पहुंचेंगे। अफ्रीकन चीतों के मध्य प्रदेश में कर्नाटका से 15 हाथी आने हैं। पैच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और एसटीआर में यह हाथी आने वाले हैं। पहले चरण में चार हाथी एसटीआर में आ रहे हैं। वहीं हाथी लाने सोमवार को एसटीआर की टीम बंदीपुर पार्क में पहुंच गई थी। पार्क प्रबंधन ने सभी हाथियों को एकत्रित किया। वहीं एसटीआर की टीम ने चार हाथियों को चुना, जिसमें से 2 मेल और 2 फीमेल हाथी हैं। इन हाथियों के नाम कृष्णा, गजा, पूजा और मारिसा है। एसटीआर टीम के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति, डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, पन्ना के डॉक्टर संजीव गुप्ता, पिपरिया डिप्टी डायरेक्टर आशीष कोबराबड़े, रेंजर आरपी पाठक की टीम हाथी लेने कर्नाटक गई है। मेडिकल समेत तमाम तरह की जांच होने के बाद चारों को ट्रक में रखकर मंगलवार दोपहर टीम रवाना हुई। फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि चार हाथी लेकर मंगलवार को टीम रवाना हो चुकी है। ट्रक में रखकर हाथी लाए जा रहे हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।